अरे बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, जल्दी से बुला लो अपने चरणों में मेरे महादेव। मेरी रूह अब केदारनाथ की हवा मांग रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाई डिटा पंकज। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से एक ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस बनाना सीखेंगे। बाकी ट्यूटोरियल तो आप वीडियो के शुरू में देख ही चुके होंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने काइंड मास्टर ऐप को ओपन कर लूँगा। काइंड मास्टर ऐप को ओपन करने के बाद क्रिएट अ न्यू पे टच करूँगा। मैं फुल स्क्रीन में स्टेटस बनाऊँगा, तो 9.16 के रेशियो को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टच कर दूँगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टच करने के बाद हमारे फ़ोन की गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फ़ोन की गैलरी ओपन होने के बाद हमें सिर्फ, मैंने यहाँ पर दो फोटो से बनाया तो मैं दो ही फ़ोटो लूँगा। आप दो फोटो ले सकते हैं या दो से अधिक भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो ऐड कर लेने के बाद आपको सिंपल फ़ोटो के लेयर पर टच करना है, बीच वाले ऑप्शन पर जाना है और अपने अकॉर्डिंग अपने इमेज जहां पर भी आप सेट करना चाहते हैं उस इमेज को वहां सेट कर लीजिए। दोनों थंब से जूम करके आप जहां पर भी इसको रखना चाहते हैं वहां सेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर टच करेंगे और राइट वाला टच कर देंगे। राइट वाला टच करने ऐसे ही सिंपल सेकेंड वाले इमेज को भी लेयर पर टच करना है, बीच वाले ऑप्शन पर जाना और इसकी पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन हमको ये वाली रखनी है और एंड पोजीशन ये रखूँगा मैं। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप चाहें तो एक ही जगह पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको एक ही जगह पे एडजस्ट करनी है तो सिंपल यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन, इक्वल वाले ऑप्शन पर टच कर देंगे तो एक ही इसकी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फ़ोटो दोनों एडजस्ट हो गए। दोनों फ़ोटो एडजस्ट होने के बाद मैं एक ब्लैक स्क्रीन लूँगा जो कि मैंने बनाई है। ब्लैक स्क्रीन लेयर वाले ऑप्शन पर टच करना है। लेयर वाले ऑप्शन पर टच करने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है। मीडिया वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट करी है तो मेरी एक्सपोर्ट फोल्डर में पड़ी हुई है। यहाँ से मैं ब्लैक स्क्रीन को अपनी ऐड कर लूँगा। ब्लैक स्क्रीन को ऐड करने के बाद हमें जिस सॉन्ग पर स्टेटस बनाना है वो सॉन्ग ले लेंगे। तो सॉन्ग के लिए सिंपल ऑडियो पर टच करना है और फिर जिस भी फोल्डर में आपका सॉन्ग पड़ा है उस सॉन्ग को ले लेंगे। यहाँ से मैं सॉन्ग ऐड कर लूँगा। सॉन्ग को ऐड करने के बाद हमें यहाँ से कट वाले ऑप्शन पर टच करना है। यहाँ पे हमारा सॉन्ग ऐड हो चुका है। इसके बाद सिंपल आपको ब्लैक स्क्रीन की लेयर पर टच करना है। ब्लैक स्क्रीन की लेयर पर टच करने के बाद यहाँ बीच वाले ऑप्शन में जाना है। बीच वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ राइट वाले ऑप्शन पर टच करके राइट कर देना है। इससे हमारी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी अपने आप बिल्कुल एडजस्ट। इसके बाद हमें दोबारा ब्लैक स्क्रीन की लेयर पर टच करना है और यहाँ सबसे नीचे एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर टच करना है। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर टच करने के बाद यहाँ से स्क्रीन पर टच कर देना है। स्क्रीन पर टच करने के बाद हमारी ब्लैक स्क्रीन गायब हो जाएगी और हमारा जो टेक्स्ट है वो एकदम क्लियर दिखने लगेगा। तो सबसे पहले हम ये जो पहली वाली इमेज है इसको यहाँ तक बढ़ा लेंगे, जहाँ तक हमारी ब्लैक स्क्रीन है वहाँ तक हमको इसको अपने अकॉर्डिंग ले लेना है। तो फर्स्ट फोटो को हमें वहाँ तक रखना है जहाँ तक हमारी ब्लैक स्क्रीन की वीडियो आ रही है। उसके बाद हम एक बार सॉन्ग को प्ले करके देख लेते हैं। अरे बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, जल्दी से बुला ले। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गया, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन की लेयर पर टच करना, वॉल्यूम वाले ऑप्शन में जाना और इस ब्लैक स्क्रीन की वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। वॉल्यूम को ऑफ कर देने के बाद अरे बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, जल्दी से बुला लो अपने चरणों में मेरे महादेव। मेरी रूह अब केदारनाथ की हवा मांग रही है। उसके बाद अगर हमें अपने फ़ोटो में कुछ एडिट करना तो सिंपल फ़ोटो की लेयर पर टच करना है, यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाना और ये जो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन जितने भी सारे ऑप्शन हैं आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं आप इनको, आपको जैसा अच्छा लगे। मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ, आप बाकी अपने अकॉर्डिंग कर लेना आपको जो भी पसंद आए। मैंने यहाँ पे पहला फ़ोटो एडजस्ट कर लिया, अगर आपको भी करना तो आप कर सकते हैं, बाकी अपनी इच्छा के अनुसार। ऐसी सेकंड फ़ोटो पे टच करना है और इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। तो दोनों फ़ोटो एडिट कर लेने के बाद सिंपल हमें पहला हमारे सेकंड फ़ोटो के लेयर पर टच करना है। क्लिप ग्राफिक्स में जाना, कॉल मी डीचे सेकंड वाला इफेक्ट पर और इसे अप्लाई कर देना। इसके बाद हमारा स्टेटस
कुछ इस तरीके का दिखने लगे। अरे बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, जल्दी से बुला लो अपने चरणों में मेरे महादेव, मेरी रूह अब केदारनाथ की हवा मांग रही है। हमारे स्टेट वैसे कंप्लीट है, मगर आपको इसके अलावा भी अगर कुछ एडिट करना तो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सिंपल आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टच करना और अपने स्टेटस को एक्सपोर्ट कर लेना, आप जिस भी क्लियरिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बाकी ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी।